हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको ऑक्सी लाइफ ब्लीच के बारे में बताने जा रही हूं, और भी इसमें ढेर सारी जानकारी है इस वीडियो में कि हमें ब्लीच कब यूज़ करना चाहिए, किस एज में यूज़ करना चाहिए, ब्लीच यूज़ करने से हमारे स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस टाइप ऑफ स्किन को यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है एक छोटे से चैनल के इंट्रो के बाद, तो ये वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये है ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच। यहाँ 5 का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये 5 फेयरनेस प्रॉब्लम से फाइट करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। वो 5 फेयरनेस प्रॉब्लम है डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स और सनटैन। एक चीज जो मुझे इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसमें नो एडेड अमोनिया है, यानी कि अमोनिया का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ लाइफ की, तो लगभग 1.5 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। आप प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसकी सेल्फ लाइफ ज़रूर चेक कर लिया करिए। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 40 रुपीज़ में आपको ये 9 ग्राम का मिलेगा और 80 रुपीज़ में 27 ग्राम का मिलेगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों ये वन टाइम यूज़ के लिए मैंने ये ख़रीदा हुआ है। जो छोटा वाला पैक होता है उसको आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और इसका की इंग्रेडिएंट जो है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है। और इसको आप जब भी मिक्स करें एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो ग्लास या फिर प्लास्टिक बाउल में ही मिक्स करें, अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाता है। और आप इसको फेस वॉश अच्छे से करने के बाद ही अपने चेहरे पे अप्लाई करें। आप चाहे तो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा स्पैचुला भी दिया हुआ है, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ये है क्रीम ब्लीच, जिसको कि ये इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम की तरह होता है, और इसके साथ एक मिला एक्टिवेटर जिसकी कंसिस्टेंसी पाउडर फॉर्म में होती है। तो इन दोनों को हमें मिक्स करना है, और इसके साथ में हमें ये भी मिला हुआ है पोस्ट ब्लीच क्रीम, जिसको कि हमें पूरा ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद लगाना है। इससे हमें हमारा स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको फिंगर से या फिर स्पैचुला से भी अपने स्किन पे लगा सकते हैं, और आपको बहुत ही थिन कोट लेयर में अप्लाई करना है अपने स्किन पे, और 15 मिनट आप रखिए। 15 मिनट से ज़्यादा आप इसको बिल्कुल ना रखें, और जिसका बहुत ज़्यादा डार्कर स्किन है वो सिर्फ 10 मिनट रखें। और इसको आप हर महीने एक बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब महीने में आपको इसको एक बार यूज़ करना है। ये है पाउडर, और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है प्रपोर्सन। अगर आप सही प्रपोर्सन में नहीं यूज़ करते तो फिर ब्लीच सही से वर्क नहीं करता। तो आप पूरा पैम्पलेट पे पढ़ लीजिए, आपका हर ब्लीच का अलग अलग प्रपोर्सन होता है। इसमें एक बुकलेट और पैम्पलेट दिया हुआ है, उस पर पूरा प्रोसीजर लिखा है, डू और डू नॉट्स लिखा हुआ है। आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और सही प्रपोर्शन में उसको मिक्स करिए। ये हमारे डेड स्किन को, डेड सेल्स जो होती हैं उसको हटाता है और स्किन को क्लियर और फेयरर करता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लीच का एग्जैक्टली रोल क्या होता है। तो ये जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं, उनके कलर्स जो कि बहुत ज़्यादा डल डल हमारे फेस को लगने लगते हैं, तो उसको वो गोल्डन करता है। इसकी वजह से हमारा स्किन फेयरर दिखता है, अदरवाइज हमारा स्किन बहुत ज़्यादा डल डल सा महसूस होता है। तो आप इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप इसका पैच टेस्ट कर ले। अगर पहली बार ब्लीच यूज़ कर रहे हैं उससे ये पता चल जाता है कि आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं है। आप इसको हाथ पर मिक्स करके अप्लाई करिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एलर्जी नहीं है, तब आप इसको फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 20 से कम है तो प्लीज़ आप ब्लीच न यूज़ करें, और आप अपने आँखों को, होठ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करें जब भी आप ब्लीच यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ओवरऑल सभी छोटी से बड़ी चीज़ें आपको बता दी है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब